सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं Vivo Y1S फोन के हाइड ऐप के बारे में। हाँ दोस्तों, यानी कि ऐप को कैसे छिपाए, ऐप को कैसे छिपाए उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं Vivo के Y1S फोन के हाइड ऐप के बारे में। तो चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देता हूँ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने मिल जाएगा। तो अगर आपके पास Vivo का Y1S फोन है तो आप उसमें एप्लीकेशन को छिपा के रख सकते हैं। होम स्क्रीन का एप्लीकेशन जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता, इन एप्लीकेशन को यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे छिपा के रख सकते हैं। कैसे आपको छिपाना, यानी कि हाइड करके रख सकते हैं, कैसे आपको हाइड करना है मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, जाना होगा अपने फोन के सेटिंग में। तो जैसे आप अपने फोन के सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा प्राइवेसी एंड ऐप का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन का पासवर्ड बना रखे हैं तो ठीक है, यहाँ पे आप अपना पुराना पासवर्ड डाल देना। अगर आपने पासवर्ड नहीं बना रखे हैं तो यहाँ पे आपको एक नया पासवर्ड बना लेना है। तो फिलहाल दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास वर्ल्ड पासवर्ड है, तो मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखा देता हूँ। अब मैं अपना पासवर्ड डाल के इसको ओपन कर लिया, उसके बाद आपको नीचे देखने को मिल जाता है हाइड ऐप का ऑप्शन। तो हाइड ऐप पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका सभी ऐप्स हाइड करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो हाइड का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक भी हाइड वगैरह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं कुछ ऐप को यहाँ पे हाइड करके दिखाने वाला हूँ। अब जैसे क्या कि फेसबुक हो गया, और यहाँ पे ओके पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद मेरा यहाँ पे फ्री फायर देखने को मिल जाता है। तो फ्री फायर को भी आप अपने Y1S फोन में हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्री फायर को भी हाइड कर लिया, ओके पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको और भी एप्लीकेशन को हाइड करना है, यहाँ पे व्हाट्सअप को भी मैंने यहाँ पे हाइड कर लिया। तो यहाँ पे मैंने हाइड कर लिया, उसके बाद होम स्क्रीन पे चलता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता होम स्क्रीन पे मेरा कहीं भी फ्री फायर वगैरह और यहाँ पे फेसबुक वगैरह और व्हाट्सअप वगैरह देखने को नहीं मिलता, जो कि मेरा एक व्हाट्सअप है हाइड हो चुका है, दूसरा व्हाट्सअप यहाँ पे है। मैं दूसरे वाले व्हाट्सअप को नहीं हाइड किया हूँ, और जो दूसरा व्हाट्सअप एक है उसको मैंने हाइड कर लिया हूँ। तो यहाँ पे आपको फेसबुक वगैरह देखने को नहीं मिलता है। तो फिलहाल दोस्तों, अगर आपको यूज करना है तो कैसे आप इसको यूज करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, जाना होगा अपने फोन के सेटिंग में। सेटिंग से भी आप कर सकते हैं, और फिलहाल यहाँ पे आई मैनेजर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको आई मैनेजर से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ आई मैनेजर से कैसे आपको यूज करना है। आई मैनेजर पे आपको क्लिक करना, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं एप्स का यहाँ पे चाबी का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, वही पासवर्ड आप अपने जो बना रखा है उसको डाल लेना। उसके बाद आपका यहाँ पे हाइड ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद नीचे देखने को मिल जाता है ओपन हिडिंग एप्स, हिडिंग एप्स पे आपको क्लिक करना। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी एप्स ने यहाँ पे आपने हाइड कर रखे हैं सभी एप्स यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। यहाँ से आप एप्लीकेशन को ऑन करके यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप वगैरह यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप अपने फोन में चला सकते हैं। तो फायदा दोस्तों, इसको अनहाइड करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे आई मैनेजर पे जाना है। आई मैनेजर पे जाने के बाद इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से आपको ऐप पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप अनहाइड कर सकते हैं। इन सभी को यहाँ से ऑफ कर देंगे तो सभी चीज यहाँ पे आपका अनहाइड हो जाएगा। अनहाइड होने के बाद आपके होम स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं शो हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने ऐप को छिपा के रख सकते हैं, यानी हाइड करके रख सकते हैं Vivo के Y1S फोन में।
तो फाइनली दोस्तों मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बता दिया हूँ कैसे आपको ऐप को छिपाना है यानी कि हाइड करना है, कैसे आपको करना है, मैं आपको सब कुछ बता दिया हूँ वीवो के Y1S 4 में। तो फाइनली दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, साथ में बेल आइकन को दबा के एंड प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।